जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम क्यों कर रहे हैं, उसका इंटेंशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका संदर्भ क्या है, वो बहुत महत्व का होता है। वो काम अच्छा होना या नहीं होना उसके लिए, उसको ही हम बोलते हैं कि संदर्भ जो है वो निर्णायक होता है। संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इज डिसाइसिव, संदर्भ निर्णायक होता है ऐसा हम बोलते हैं। संदर्भ मतलब क्या है कि कोई भी काम करे उसके पीछे क्या संदर्भ है, क्यों कर रहे हैं वो काम। समझो आप एक आधा बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के पीछे उद्देश्य क्या है वो बिजनेस करने का, क्या सिर्फ पैसा कमाना ही उद्देश्य है कि लोगों को सर्विस देना ही उद्देश्य है, लोगों की सेवा करना ही उद्देश्य है। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, पैसा तो मिल ही जाएगा। जो भी आप करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें वो काम करने का उद्देश्य, इंटेंशन, संदर्भ, पर्पस, विजन, ये बहुत महत्व का होता है। समझो आप सिंपल एग्जांपल लेना है, आप खाना खा रहे हैं। अब खाना खा रहे इसके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट, खाना खाने के पीछे का कॉन्टेक्स्ट ऐसा हो सकता है कि नहीं जबान को बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी फूड है इसलिए खा रहे, तो वो हम जंक फूड खाते रहते अच्छा लगता है तो, या फिर हम एनर्जी के लिए खा रहे। जब आप एनर्जी के लिए खा रहे, एनर्जी मिलना चाहिए, अपने बॉडी को ताकत आना चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम विटामिन युक्त पदार्थ खाएंगे, हम प्रोटीन्स खाएंगे, मतलब जो अपने को ताकत देने वाली चीज़ें वो खाएंगे, ना कि जंक फूड खाएंगे। आप कोई बिजनेस कर रहे, क्या आप पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं कि उसके पीछे और कोई उद्देश्य है। जैसा हमारे एक मित्र है, वो एक बिजनेस करते हैं, तो उनको पूछा हम आप क्या करते हैं, बोले मैं लेडीज़ को, महिलाओं को सुंदर बनाने का व्यवसाय करता हूँ। अब यह स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आएगा, महिलाओं को सुंदर बनाने का व्यवसाय करता हूँ। तो फिर कोई किसने बोला कि नहीं फिर आप ब्यूटी पार्लर चलाते होंगे, कोई बोले आप साड़ी बेचते होंगे, कोई बोले आप महिलाओं के कपड़े बेचते होंगे, कोई बोले आप कोई गहने दागिने बेचते होंगे, बोले आप फोटो स्टूडियो चलाते होंगे। उनका उद्देश्य कि महिलाओं को सुंदर बनाना। फिर उनको पूछा तो नहीं मैं इमिटेशन ज्वेलरी बेचता हूँ, इमिटेशन ज्वेलरी, मगर उद्देश्य क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि भाई महिलाओं को सुंदर बनाना, कि भाई हर महिला सुंदर दिखनी चाहिए, उसके लिए मैं काम करता हूँ। इतना धंधा उनका चलता है, चेन ऑफ स्टोर्स है, 10 स्टोर्स है अलग अलग अलग, क्योंकि उनका इंटेंशन क्लियर है, कॉन्टेक्स्ट क्लियर है। और वो एक आदमी बोलता है कि नहीं मैं पैसे कमाने के लिए महिलाओं की इमिटेशन ज्वेलरी बेच रहा हूँ। अब पैसे कमाने के लिए ये महिलाओं की इमिटेशन ज्वेलरी का धंधा कर रहा हूँ, ये बोलना कैसा हो गया कि मैं पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसका फोकस कहाँ है, पैसा, कितना ज़्यादा पैसा मैं लूँ, कितना ज़्यादा लूटूँ, कितना ज़्यादा खोटा काम करूँ, कितना ज़्यादा यहाँ से निकालूँ, मजदूरी में कितना, मतलब मेरा उद्देश्य ही पैसा कमाने का है। तो फिर उसका पूरा ध्यान कैसे भी करके ये गिराए के मत्थे मारूँ, ऐसा रहता है और प्रॉब्लम आता है। तो हर बार जो भी आप बिजनेस करते हो उसका विजन तैयार करो, उसका मिशन तैयार करो, उसका इंटेंशन तैयार करो, उसका पर्पस तैयार करो, उसका संदर्भ तैयार करो, तो फिर आपको बोर नहीं होगा। सुबह मैं उठता हूँ तो मुझे बहुत बोर लगता है एक्सरसाइज करने के लिए, बहुत जान पे आता है, मगर मैं मेरा जो संदर्भ है वो निर्माण करता हूँ, वो तैयार करता हूँ, मैं वो तैयार करता हूँ कि नहीं मुझे है ना बहुत फिट रहने का है, और फिट रहना इसके लिए मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो मैं फिट रहने के लिए अभी एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहा हूँ। ऐसा स्टेटमेंट मैं मेरे से बोलता हूँ, मुझे ताकत आती है, मेरी इच्छा पैदा होती है, और फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो हर बार ये देखना है, जो भी आप काम करते हैं, स्नान करते होंगे उसके पीछे क्या है, नहीं भाई अपने को फ्रेश लगना चाहिए और नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वो कॉन्टेक्स्ट है, एक्सरसाइज है, पढ़ाई है, बिजनेस है, रिलेशनशिप है, हर के पीछे एक नया कॉन्टेक्स्ट तैयार करो, एक संदर्भ तैयार करो। जो भी आप काम कर रहे हैं आपको बहुत पावर आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।